हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, कृषि दर्शन न्यूज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 5 मई 2022 वार बृहस्पतिवार, सबसे पहले खबरों की चर्चा करेंगे। और खबर कल RBI गवर्नर के हाथ से आई थी, कल हम वीडियो में मिल नहीं पाए। उन्होंने बोला है कि फूड इन्फ्लेशन और खाद्य तेलों की महंगाई आने वाले समय में बढ़ेगी, यानी कि खाद्यान्न और खाद्यान्न तेलों की महंगाई बढ़ती रहेगी। और इसी के चलते महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए उन्होंने कल 40 बेसिस इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। और RBI गवर्नर का बयान है तो इन्फ्लेशन बिल्कुल रहेगी, क्योंकि वो देश के इस समय सबसे प्रबुद्ध और सबसे बुद्धिशाली आदमी है। उसके अलावा दोस्तों, इन्फ्लेशन की बात निकली है तो हम लगातार आपको फेड मीटिंग का हवाला दे रहे थे कि भाई फेड की मीटिंग होगी, फेड की मीटिंग होगी। उससे भी कुछ निकला है और उन्होंने भी इन्फ्लेशन को काउंटर किया है कि इन्फ्लेशन रहेगी, पर उनके बयान में थोड़ा सा एक ट्विस्ट था। और ट्विस्ट ये था कि भाई हम इन्फ्लेशन के साथ इंडस्ट्री को निचले लेवल पर लोन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, जिसके बाद से बाजारों में एक जोरदार रिकवरी और जोरदार तेजी देखने को मिली, और एग्री मार्केट में भी तेजी, और उसके अलावा वहां पर शेयर मार्केट में भी तेजी, डाउ जोन्स वगैरह और नास्डेक वगैरह भी 3% तक चढ़ेगा। उन्होंने 50 बेसिस कि इंटरेस्ट रेट हाइक की है। तो दोस्तों, इंग्लैंड के बैंक का भी यही मानना है। तो दोस्तों, अब आते हैं गेहूं की ओर। गेहूं पर जब RBI गवर्नर ने कह दिया कि भाई खाद्यान्न में महंगाई रहेगी, कल दो बयान आए। पहला बयान आता है फूड सेक्रेटरी कहता है हम गेहूं का निर्यात करेंगे, निर्यात पर रोक लगाने का कोई विचार नहीं। उसके तुरंत एक घंटे बाद बयान आता है कि भारत सरकार गेहूं के निर्यात के ऊपर रोक लगाने की सोच रही है। उसी के अनुसार भारत सरकार ने कल गेहूं के उत्पादन को घटाया है, और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 5 साल बाद हम रिकॉर्ड उत्पादन नहीं कर रहे हैं, जबकि हमने हर 5 साल तक साल दर साल रिकॉर्ड उत्पादन किया है। और इस समय उन्होंने 1.5 लाख मैट्रिक टन उत्पादन की बात की है, समथिंग ऐसा ही, कोई 1.6 भी हो सकता है लाख मैट्रिक टन, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। पिछली बार 111 लाख मैट्रिक टन इस साल उत्पादन की बात थी। तो दोस्तों, बड़े कट्स आए हैं और ये हीट वेव के चलते आए हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि या तो उत्पादन उन जिसकी बाजार मान के चल रहा है वो उस लेवल का एक्सपोर्ट नहीं होगा, और एक्सपोर्ट यदि मतलब होगा तो आधा होगा जो बाजार अभी मान के चल रहा है। बाजारों में सुधार है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड इस समय पूरे पीक पर है और बहुत ऊंचे लेवल पर भी इस समय लोकली गाँव में ही खरीदार है। अब आगे की बात करते हैं। अब RBI गवर्नर ने बोल दिया है कि मैं खाद्य तेलों में महंगाई रहेगी। अब इसके बाद जब इतने विद्वान आदमी ने जब बोल दिया कि भाई खाद्य तेलों में महंगाई रहेगी और सप्लाई चेन बिगड़ी हुई है, तो किसी के बोलने और कहने और सुनने की कोई मतलब फिर मतलब कोई वजह ही नहीं निकलती कि भाई खाद्य तेल घटेंगे, क्योंकि इस हिसाब से वो इकोनॉमी में ऐसा मैसेज, गलत मैसेज डाल के, और वो क्यों मतलब क्यों वो गलत मैसेज डालेंगे, वो देश को चला रहे हैं इस समय। तो उन्होंने जब बोला है खाद्य तेलों महंगाई रहेगी, तो बिल्कुल रहेगी, सप्लाई चेन बिगड़ी हुई। इसी का उदाहरण चीन में है। चीन में दुनिया के लगभग 60% जो सिप हैं, जो बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वो फंसे हुए हैं ड्यू टू कोविड, ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू लेबर शॉर्टेज। तो दोस्तों, जब वहां पे इतने बड़े लेवल पर सिप फंसे हुए हैं और ये स्थिति है, उसके बाद जैसे ही खबरें चली तो भारत के वायदा बाजार NCDX पर धराशायी हो गए और जबरदस्त गिरावट भारत के वायदा बाजारों में देखने को मिली। जिन जिन का हम एक्सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर बहुत जबरदस्त असर पड़ा, पर ये पॉजिटिव उनके लिए है जिनका हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि सप्लाई चेन बिगड़ेगी तो सबसे ज्यादा इफेक्ट उन्हीं पर आएगा। और इसी के अनुसार भारत के सोया बाजारों में आज जबरदस्त तेजी और जबरदस्त सुधार देखने को मिला। निचले लेवल से 200 से 250 रुपए तक की तेजी, काफी दिनों के बाद सोया बाजारों ने हरियाली देखी है। जिस दिन भारत सरकार ने 5.5 लाख मैट्रिक जो सोया मील बची हुई है इसको बाहर से मंगाने का ऐलान किया था, उसके साथ ही भारत के बाजार धराशायी होते चले गए थे। अब सुधार है, और हमने उस दिन भी बोला था ये अब भी नहीं आएगी, ये तीसरी बार टाइम बढ़ाया है, चौथी बार भी बढ़ाना पड़ सकता है और पांचवी बार भी बढ़ाना पड़ सकता है, जिस हिसाब के वर्ल्ड लेवल पर स्थिति है। आज भारत के सोया बाजारों में जबरदस्त तेजी, कीर्ति प्लांट 7300, धानों का प्लांट 7450, और भी कुछ मंडियों में जबरदस्त सुधार 200 से 250 रुपए और किसी किसी मंडियों में 300 रुपए तक की तेजी देखने को मिली है। फेड के बयान के बाद भी जिस हिसाब से उन्होंने इन्फ्लेशन को किया, तो वहां पे भी कोई दिक्कतें नहीं आई और हर चीज की कीमतें में बढ़ोतरी दर्ज की गई फेड के स्टेटमेंट के बाद। अब आते हैं भारत के सरसों के बाजारों की ओर।
तो दोस्तों भारत में सरसों के बाजारों को संभालने का काम यदि कोई कर रहा है तो भरतपुर मंडी है। भरतपुर मंडी पुष्पा बन गई है, जो झुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार लोकल मिलर्स की खरीदारी है और वो गिर नहीं रही है, जबकि सब गिर रहे हैं। सलोनी 8,000 से 200 रुपए नीचे खड़ी है, और जबकि भरतपुर 7,500 से आज भी 7,100 से सॉरी और 7,000 पर खड़ी है, जो पूरी मार्केट को सपोर्ट करने को तैयार है। यदि सलोनी के साथ साथ भरतपुर के बाजार भी 200 रुपए निकल जाते तो बाजार में कहता हूं कि ये ऑपरेटर, ये बड़े प्लांट इसको 200 नहीं 500 तक इसका पीछा नहीं छोड़ते। पर भरतपुर मंडी में लोकर्स मिलर्स की खरीदारी, आवक का कम होना और डिमांड का पूरा होना एक समस्या इसमें लगातार आ रही है। लगातार मिलर्स से मेरी बातचीत चल रही है और मिलर्स का यही कहना है कि सर क्रैशिंग नहीं हो पा रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, जिसके चलते हमारा तेल के खरीदार तो हैं, अब हमें जितने क्रैशिंग हम एक दिन में कर पा रहे थे उसी क्रैशिंग को हमने 3 दिन में करना पड़ रहा है, और स्टॉक लिमिट ऊपर से लगी हुई है। ये एक इशू उनका लगातार उठ के आ रहा है कि जी स्टॉक लिमिट लगी हुई है, क्रैशिंग पूरी नहीं हो पा रही है, प्लांट पूरी क्षमता के साथ नहीं चल पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, लेबर की शॉर्टेज भी प्लांटों में है, और कुछ उन्होंने तो लेबर में कटौती भी की है। जबकि तेल कोई नहीं बेच रहा है, भरतपुर में तेल टूटा ही नहीं है 2-3 दिन से, कहीं नहीं टूटा है। भाव जिस हिसाब से टूटा है उसी हिसाब से भरतपुर में काम हुआ है, और जबरदस्त फेयर मंडी जबरदस्त ढंग से कामकाज को संभाले हुए पूरे देश की सरसों का भार अपने कंधों पर लेकर चल रही है। यदि मैं फिर कह रहा हूं भरतपुर मंडी 200 सलोने टूटने के साथ 200 निकल जाती ना तो खेल ही कुछ और होता। अब हमारा अगले 2 दिन का विचार सुन लीजिए। हमें अगले 2 दिन में 300 रुपए तक की तेजी यहां से लगती है। शुक्रवार और शनिवार को बाजार जो आज 7,000 पे भरतपुर खड़ी है 7,300-7,350 तक के लगते हैं। उसके अलावा सलोनी जो 7,800 पर खड़ी है, दो प्लांट, एक प्लांट 7,900 पर खड़ा है, ये 8,100 से लेके 8,150 और 8,200 तक के इसमें लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा अग्रिम 2 दिन का अनुमान है। तो दोस्तों तेल के बहुत ज्यादा खरीदार है, डिमांड नीचे से पिकअप हो रही है और जबरदस्त ढंग से। कल आज एक मानसून का भी IMDA ने अनुमान लगाया और मानसून के ऊपर यह बोल रहा है कि अगले 15 से 20 दिन में केरल के तट के ऊपर मानसून टकराएगा, तो तेल की डिमांड वैसे ही मानसून के साथ पिकअप होगी। तो कहीं कोई बाजारों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। RBI गवर्नर के बाद किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि तेल सस्ता होगा, 125 बिकेगा सरसों में, ये होगा वो होगा। सरसों पे मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं, भाव को किसी वजह से रोका जा रहा है, कारण कुछ और है, पर्दे के पीछे लगातार खेल जारी है। हमने ट्वीट किया था और ट्वीट काफी चर्चा का विषय भी रहा था, इस हम खेल को समझ चुके हैं क्योंकि लगातार कुछ प्लांटों के स्टेटमेंट आए। एक यहाँ पे जी बिजनेस में कुछ मिलर्स का कुछ स्टेटमेंट कल खूब व्हाट्सएप पर चला, एक आर्टिकल हमने आपके साथ साझा किया था अडानी का, अडानी के जो अडानी मिलर के जो CEO हैं, जो अडानी जो फॉर्च्यून जो ब्रांड है उनको एक स्टेटमेंट है, उसके बाद वो जो पर्दे के पीछे का खेल है, जो सारी जो साजिशों का जो ताना बाना पीछे से चला जा रहा है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। कभी उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, पर अगले 2 दिन बाजारों में तेजी है, लोकल मिलर्स मंडियों को डमाड़े हुए हैं और अपने लेवल पर जबरदस्त ढंग से खरीदारी है, तेल की डिमांड पिकअप पे है, कहीं कोई दिक्कत वाली बाजारों में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगले 2 दिन में 300 रुपए तक की तेजी बाजारों में देखने को मिलेगी। अब दोस्तों भाव की चर्चा करते हैं, पहले प्लांटों के भाव की बात करते हैं। कोटा और आगरा प्लांट 7,800 है सलोनी, अलवर प्लांट 7,900 है, उसके अलावा गोयल प्लांट 7,300 है, कल से 100 तेज है, BP प्लांट 7,600 है, आगरा का कल से 100 रुपए मंदा है। अब दोस्तों मंडियों की बात करते हैं, सबसे पहले द किंग ऑफ मस्टर्ड मंडी जो है भरतपुर 7,000 है, उसके अलावा जयपुर 7,400 है, दिल्ली 7,200 है, अलवर 7,050 से 7,080 है, खैरतल 7,080 है, खेरली 7,080 के आसपास है, और उसके अलावा निवई मंडी 7,300, टोक 7,250, देही बूंदी 7,100, सुमेरपुर 7,380 से लेके 7,400, गंगापुर 7,380 से लेके 7,100, रावड़ा मंडी 7,950, आदमपुर 7,176, कोटपुतली 7,950, दादरी और भिवानी 40 लैब के 7,050, जोधपुर 6,100 से लेके 7,725, झांसी मंडी 6,650, बैरोड 7,150, रेवाड़ी 7,150, मथुरा मंडी 6,700 से लेके 6,850, बीकानेर मंडी 6,350 से लेके 6,850, उसके अलावा जोधपुर मंडी रेवाड़ी 7,150, आदमपुर मंडी 6,700 और शिवानी 7,275, ये प्रमुख मंडियों के भाव रहे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। दोपहर अपडेट में कल आपसे मुलाकात होगी दोपहर के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।